नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं गो फॉर नो, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, है ना, कि रिजेक्शन फेस करो, रिजेक्शन फेस करो। मेरा कहना ये है कि आप अनइंटरेस्टेड लोगों से बात ही क्यों कर रहे हो? इसी वजह से तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बदनाम है नो, आज के टाइम बिल्कुल पे। सर। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी इंसान किसी को कन्विंस करना नहीं चाहता, है ना। आप देखोगे आज भी लोग किस तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, इस बिजनेस के एसेंस को समझ ही नहीं रहे। वो अपने घर परिवार में लोगों को परेशान कर देते हैं बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, अपने दोस्तों के पीछे पड़ जाते हैं, अपने वो जो बोलते हैं ना, अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स निकालो, सबको कॉल करो। इससे बिजनेस नहीं बनेगा, इससे आपके रिश्ते ज़रूर ख़राब हो जाएंगे। खराब सर हुए हैं, मतलब अभी मैं थोड़ा टाइम हुआ मैंने इंश्योरेंस का स्टार्ट किया, तो पहले बहुत आते थे क्योंकि मैं लोन डिपार्टमेंट में मैंने वर्किंग की है थोड़ी बहुत, तो उस हिसाब से मुझे इंश्योरेंस पहले आते रहते थे कि इंश्योरेंस का ये कर दो वो कर दो, ये करवा दो वो कर दो। जब एग्जाम दे दिया इंश्योरेंस जेब में आ गई, या कह सकते हो उसका आइडिया आ गया, उसके बाद एक केस नहीं हुआ, तो वही बात है ना कि वही बात है वही है कि इशू। हाँ, तो आप अनइंटरेस्टेड लोगों के पास जा रहे हो जिसको इसकी नीड ही नहीं है। सेलिंग का बिल्कुल एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये मतलब जो समझ लेता है वो सेल्स समझ जाता है। सेल्स का मतलब होता है कि जिसको जो चाहिए उसको वो दो। नेटवर्क वो मार्केटिंग में हम क्या कर रहे हैं, जिसको क्या चाहिए वो नहीं पता, जिसको जो नहीं चाहिए हम उसको वही दे रहे हैं। सामने वाले को प्रोडक्ट की नीड नहीं है, हम उसको प्रोडक्ट चिपकाए जा रहे हैं। उसको नहीं करना बिजनेस, वो जॉब में खुश है, उसको हम बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, उसको फॉलोअप कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई पे फोकस करना है, राइट, उसको नहीं करना अभी कुछ और काम, आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मोल्ड कर रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो, राइट। सिर्फ ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है। दूसरा, लोगों को स्टेबल इनकम यहाँ नहीं दिखती। रीज़न नहीं सिर्फ इतना देखती है कि उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि वो मार्केटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि कोई भी बिज़नेस में, आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचो, बस सोचो कि मैं ये बिज़नेस करूँगा, उसके लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए, बिज़नेस आइडिया चाहिए, जगह चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग दिखना, सब कुछ करना पड़ता है। सब कुछ नेटवर्क करना मार्केटिंग में पड़ता सब कुछ करा कराया, अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मार्केटिंग एंड सेल्स सीखना होगा। आप उतना भी अगर सीख के नहीं करोगे, आप बस इसको इस फोकस पे रहोगे कि बस ज्वाइन कराओ टूसी से कराओ, ज्वाइन कराओ टूसी से कराओ, नहीं चलेगा ज़्यादा दिन तक काम। इसीलिए आप देखोगे, आप जो मेरे से अभी शेयर कर रहे थे, बहुत सारे टॉप अर्नर्स थे जो इस बिज़नेस को छोड़ दिए, महीने का 5-6 लाख कमा रहे थे बट छोड़ दिए, फोर सीसी नहीं कर पा रहे थे। यही कारण है ना, हमें ये समझना होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे आपको अकेले बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं करना प्रोडक्ट का, आपको लिमिटेड ही करना है, 1 से 2 सीसी का करो, ठीक है, और बाकी का आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, दोनों का बैलेंस लेके चलना, आपको 40-60 का या 50-50 या 30-70, जो भी आपको सूट करे। एक इंसान है जो बहुत अच्छा रिटेलिंग कर पाता है, जो लेट से 3 सीसी के प्रोडक्ट बेचती है बट रिक्रूटमेंट थोड़ा कम करता है, तो 1 सीसी का रिक्रूटमेंट कर लिया तो 4 सीसी उसका हो गया। कैन यू माई पॉइंट? तो डोंट गो फॉर, मतलब जो बोलते हैं ना गो फॉर नो, हम बोलते हैं डोंट गो फॉर नो, गो फॉर येस। बात उनसे करो जो इंटरेस्टेड है। जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि ये मोबाइल कंपनी, जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, कंपनी आपके पास नहीं आई थी, वो आपको एजुकेट करी, आप उनके पास गए थे। सिमिलरली आपके फॉरएवर बिजनेस के लिए आपको ये समझना होगा कि अपने प्रोडक्ट को अगर बेचना है, सीसी चाहिए, प्रोडक्ट रिटेलिंग के लिए ऑर्डर्स चाहिए, कस्टमर्स चाहिए, तो क्या मैं ऐसा करूँ कि वो हमें अप्रोच करें? पहला चीज़, अप्रोच करें क्या ऐसा बिल्कुल करूँ कि सामने वाला इंसान बोले कि वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, यहाँ पे आपको कन्विंस करने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोगों को हेल्प कर सको एज अ कंसल्टेंट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जो एक एस्पेक्ट है ज्वाइनिंग वाला, या हेल्थ, हम यहाँ पे कंसल्टेंसी दे रहे हैं। अगर किसी को, हमें कोई मैसेज करता है कस्टमर, वो क्या बोलता है कि सर मेरे को वेट लॉस करना है, राइट, फिर हम जो हमें ट्रेनिंग मिलती है फॉरएवर की तरफ से, उस ट्रेनिंग के बेस पे हम ये क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे कि उनको कितना वेट है, कितना वेट लॉस करना है, क्या उनका डाइट होना चाहिए, क्या वो फॉलो कर रहे हैं, हमारे फॉरएवर एलोवेरा जेल, गार्सिनिया प्लस को किस तरीके से यूज़ करना, हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं। तो हम कंसल्टेंसी के बिजनेस में हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो या बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, हम दोनों में जी कंसल्टेंसी दे के हम सेल्स क्लोज करते हैं। तो एक कंसल्टेंसी कैसे दी जाती है, वो उसी को देना पॉसिबल है जो इंटरेस्टेड है। जी सर सामने वाला इंसान पूछ रहा है तो आप एज ए कंसल्टेंट बिहेव कर रहे हो। अभी इंटरेस्टेड लोग तभी आएंगे जब आपके पास स्ट्रांग मार्केटिंग होगी और बैकएंड में स्ट्रांग सिस्टम होगा। आज आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ आपके कस्टमर्स हैं, जहाँ उनका अटेंशन है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, चाहे वो गूगल हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी हो। लेट्स से आज आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, लोग आपको जान रहे, ट्रस्ट कर रहे हैं, वो बिजनेस समझना चाहते हैं, वो ज्वाइनिंग में इंटरेस्टेड है। आज एक इंसान आया तो आप संभाल लोगे, 10 इंसान आया तो भी संभाल लोगे, बट वही 100 हो गया तो, वही 200-500 हो गया तो कैसे संभालोगे, है ना, तो लीड्स बिल्कुल बेकार हो सर जाएंगी। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे रिपीटेड एक्टिविटीज़ को आप सिस्टमाइज कर दो, ठीक वही है। सर मैं मतलब देखा वो जैसे सर ने बताया कि आपको ऐसे हो सकता है, तो मुझे लगा कि
क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर बिल्कुल कर सकते पॉसिबिलिटी हैं, है तो बिल्कुल कर करना सकते चाहूंगा हैं। तो सर, देखो इसीलिए आप मैंने ज्वाइन किया था। तो राइट आप ही की वो देखा था, आप ही के मैसेज व्हाट्सएप नंबर है, आप ही को किया था सारा कुछ, तो करेक्ट, आप ही के यहाँ किए थे। करेक्ट। तो अब हमें ये समझना है कि बिजनेस को ऑनलाइन कैसे करना है। सबसे पहला लीड कैसे जनरेट करना है, जब मार्केटिंग स्ट्रांग होगी बैकएंड में लीड कैप्चरिंग सिस्टम होगा। दूसरा हमारे पास वो नॉलेज, वो स्किल होना चाहिए कि 1-to-1 मीटिंग हम कैसे कर पाएँ बिना किसी कैसे को करते अचीवमेंट दिखाए, बिना गाड़ी बंगला घर दिखाए, राइट। दिखाए वरना एक फ्रेशर कभी भी बिजनेस बिल्ड नहीं करेगा, वो तरीका जी। बंद करना ही होगा कि ये घर है, ये गाड़ी है, बंगला है, चेक है, 5 लाख कमाता है, 10 लाख कमाता है, 15 लाख कमाता है। उससे आपके घर में अगर 10,000 भी नहीं आ रहा तो क्या फ़ायदा उसे कमाने का या उसके उसके गुणगान करने का। बिल्कुल बात समझ में आ रहा। तो ये कंसल्टेंसी कैसे करनी है ताकि सामने वाला इंसान डिसीजन ले पाए कि हाँ उसको आपके साथ जी काम करना है। ये वही बात हो गई जब आप एक इन्वेस्टर से बात करते हो, आप नए नए आए हो इंडस्ट्री में, है ना। तो आपको दिखाना पड़ता है कि इन्वेस्टर के लिए क्या है उसमें, आपके जितने भी प्रॉस्पेक्ट है ना वो इन्वेस्टर्स हैं, उनको ऐसे ट्रीट करो, राइट। हमें दिखाना होगा कि इन्वेस्टर का क्या बेनिफिट है कि वो उस बिजनेस में इन्वेस्ट करे, भले ही अपने लिए कर रहा है बट बेनिफिट तो आपका भी है, विन विन सिचुएशन है कि नहीं। उसके बाद ये सीखना होगा कि प्रोडक्ट को रिटेल कैसे करना है, कैसे मार्केटिंग करें कि कस्टमर्स का ऑर्डर आए हमें, आई एम ना कि बिल्कुल आप घर सर। घर जाओ या किसी को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को परेशान करो, आपके रिश्ते सारे खराब हो जाएंगे। और यही स्टेप बाय स्टेप सिस्टम आपको सबको सिखाना है अपनी टीम में, इसी का डुप्लीकेशन करना है। जब आप 4CC करना सीख जाते हो, करना सिखाने लगते हो टीम में 15-20 लोग 4CC खुद करने लगते हैं, हर लेवल अचीव होगा, हर इनकम जो आप चाहते हो अचीव हो पाएगा रिकरिंग बिजनेस के मॉडल पे, जी सर राइट। सो गो फॉर यस, राइट टॉक टू ओनली इंटरेस्टेड पीपल, क्लियर। तो अब ये जी करने के सर लिए जैसे आपने अभी